तो दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ओलंपिया करीब आ रहा है और कई सारी वीडियोस और कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं ओलंपिया कंटेंडर्स को लेकर के। हर एक डिवीज़न में सब जितने भी ओलंपिया कंटेंडर्स हैं सबके ऊपर आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और गेस्ट पोजिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगी कई सारे बॉडी बिल्डर्स की। तो उन्हीं गेस्ट पोजिंग्स में से एक गेस्ट पोजिंग की आज मैं बात करूँगा, जो कि है डेक्स्टर जैक्सन की। तो डेक्स्टर जैक्सन ने हाल ही में गेस्ट पोजिंग करी है अपने ही शो में, डेक्स्टर जैक्सन क्लासिक के अंदर। तो उसके अंदर हमने डेक्स्टर को देखा और उस फिजिक से एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेक्स्टर ओलंपिया में किस तरह से दिखने वाले हैं। तो अभी अगर मैं फिजिक की बात करता हूँ तो डेक्स्टर है दोस्तों 6.5 वीक्स आउट, और फिजिक उनकी ऐसी ही लग रही है जिस तरह से हमेशा से हर साल लगती आ रही है उसी तरह से वो जा रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों के। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी उनकी फिजिक की जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ कमियाँ मुझे उनकी फिजिक में लग रही है जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो मुझे लगता है उनकी पोजिशन को अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था क्योंकि उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने नहीं वाली, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है और मैं किसी और बॉडी बिल्डर के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला किसी भी अपडेट को लेकर के, बट डेक्स्टर जैक्सन के ऊपर मुझे लग रहा है डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि यार एक तो उनका एज फैक्टर, काफ़ी एज हो चुके, 48 ईयर्स के हैं वो और अभी भी कम्पीट कर रहे हैं और टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच में प्लेस करके दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने इस वाली इसके अंदर अपने डेक्स्टर जैक्सन क्लासिक के अंदर उन्होंने पोजिंग करी, तो यार इस वाली इनकी पोजिंग के अंदर जो मुझे कमी लगी है वो है, एक तो सबसे पहले इनका बाइसेप इम्बैलेंस, इनके लेफ्ट और इनके राइट बाइसेप के अंदर इम्बैलेंस है। ये चीज़ हम लोगों ने दोस्तों देखी थी सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया 2017 में, और उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ वर्स्ट हो गई थी जब डेक्स्टर का जो लेफ्ट बाइसेप था उसकी कोई शेप ही नज़र नहीं आ रही थी। हो सकता है उस टाइम पर उनकी इंजरी थी या फिर कोई और चीज़ शायद उन्होंने यूज़ करी हो जिसकी वजह से उनके आर्म की शेप बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट बाइसेप का साइज़ छोटा लग रहा था एज़ कम्पेयर टू हिज़ राइट बाइसेप। तो अभी भी वो चीज़ देखने को मिल रही थी इस वाली पोजिंग के अंदर जो अभी इन्होंने करी है, जिसकी वजह से दोस्तों बेसिकली क्या हो रही है ना कि सिमेट्री जा रही है आर्म्स की, जो सिमेट्री है वो चीज़ ख़राब हो रही है, और सिमेट्री मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा। एक बॉडी पार्ट छोटा दिख रहा है, एक बॉडी पार्ट बड़ा दिख रहा है, जो चीज़ डेफिनेटली उनकी प्लेसिंग को अफेक्ट कर सकती है। ये मुझे पहली चीज़ उनकी फिजिक के अंदर प्रॉब्लम नज़र आई जो कि पहले से चल रही है पिछले साल से और अभी और ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि डेक्स्टर जैक्सन का जो मिड सेक्शन, मुझे लगा मिड सेक्शन वो यार काफ़ी अब उनका एक वीक पॉइंट बनता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल, खैर सारे ही मेंस ओपन वाले बॉडी बिल्डर्स जो भी हैं सबके मिड सेक्शन में प्रॉब्लम है, सबके साथ में गट की समस्या है, सबका पेट बाहर निकल आया, और इसी वजह से तो ज़्यादातर जो फैंस हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को नापसंद करके क्लासिक फिजिक की तरफ जा रहे हैं या फिर मेंस फिजिक की तरफ जा रहे हैं। खैर वो बात अलग होगी, लेकिन डेक्स्टर जैक्सन के साथ में तो ये प्रॉब्लम इनिशियली कभी रही नहीं, और अभी मैंने देखा इस वाली पोजिंग में जब उन्होंने बैक डबल बाइसेप पोज जब हिट करा तो उसके अंदर यार गट उनका काफ़ी ज़्यादा बाहर दिखाई दे रहा था, काफ़ी उनका पेट एकदम निकल के आ रहा था, एकदम बैलून की तरह पेट उनका दिख रहा था। तो यार ये चीज़ भी देखिए होती तो आजकल सभी बॉडी बिल्डर्स के साथ में है, बाकी इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी प्लेसिंग पे शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, अनटिल उनका जो पूरा जो ओवरऑल मिड सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अगर वर्स्ट ना हो जाए तब तक तो उनकी प्लेसिंग पे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो मैं मानता हूँ। लेकिन इस चीज़ को यार डेक्स्टर जैक्सन के साथ में ये चीज़ होते हुए ये चीज़ अजीब लग रही है सीरियसली, क्योंकि डेक्स्टर का जो मिड सेक्शन था वही तो उनकी हमेशा से एक यूएसपी रही है, उनके जो टाइट एकदम एब्डोमिनल्स थे और एकदम उनके जो एब्स वगैरह एकदम टाइट आते थे, स्मॉल उनकी वेस्ट थी। इस बार क्या है इस वाली पोजिंग के अंदर मैंने देखा गेस्ट पोजिंग में उनकी जो वेस्ट लाइन है वो काफ़ी थिक हो गई है, वेस्ट का बेसिकली साइज़ वाइड हो गई है वेस्ट जो उनकी है। तो यार वेस्ट का वाइड होना, गट का बाहर निकल आना, बाइसेप्स में इम्बैलेंस आना, तो ये जो कमियां हैं उनकी फिजिक के अंदर मुझे लगता है कि उनकी प्लेसिंग को इफेक्ट कर सकती है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में आप लोगों को क्या लगता है कि डेक्स्टर जैक्सन की इस बार की प्लेसिंग क्या हो सकती है, क्योंकि मैं जो मानता हूँ इस बार भी जहाँ तक है वो टॉप 6 में प्लेस हो जाएंगे, या हो सकता है उनकी 6th प्लेसिंग आए या 5th प्लेसिंग आए, कुछ नहीं कह सकते, होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी मुझे जो लगता है कि अभी भी डेक्स्टर टॉप 6 में क्रैक कर लेंगे, और डेक्स्टर का ये कहना है कि अगर टॉप 6 में भी वो नहीं आ पाते तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अपने आप को एक तरह से घसीटने का, और डेक्स्टर एक तरह से अपने आप को घसीट नहीं रहे, डेक्स्टर टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच में प्लेस होकर दिखाते हैं हर साल, और यही तो उनकी कमाल की बात है कि 48 ईयर्स की एज में भी जो डेक्स्टर ने किया है आज तक, तो इतना लंबा कोई पहली बार कम्पीट कर नहीं पाया, और अगर कोई इतना लंबा कम्पीट करता भी है तो फिर उसकी प्लेसिंग उतनी अच्छी कभी रहती नहीं है, पर डेक्स्टर अभी भी टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स के बीच में प्लेस होकर दिखाते हैं, जो कि कमाल की बात है। और यही डायरेक्शन ने कहा अगर टॉप 6 में प्लेस नहीं हो पाते तो फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये आप बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि डेक्स्टर इस साल ओलंपिया में उनकी क्या प्लेसिंग रहने वाली है। बाकी मुझे लगता है हाँ फिर भी टॉप 6 के अंदर प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक बात गट की है तो गट की प्रॉब्लम सभी के साथ है, सभी का पेट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, और मिड सेक्शन की जो ओवरऑल बात है वहाँ पर तो सभी बॉडी बिल्डर्स एक ही उस पर एक ही लेवल पर बेसिकली उतरते हैं। बाकी प्रॉब्लम जो एक्चुअल मुझे लगती है वो है उनके बाइसेप में,
जो एक बाइसेप उनका लेफ्ट बाइसेप उनका छोटा है और राइट बाइसेप उनका बड़ा है, तो ये मुझे प्रॉब्लम लगती है। और एक चीज़ दोस्तों, आप मेरे को ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि डेक्सटर जैक्सन का जो वेट है वो 215 या 225 है ऑन स्टेज कॉम्पिटिशन वेट जो है, क्योंकि मैंने देखा एक बड़े चैनल ने वीडियो बनाई थी इस चीज़ के ऊपर कि डेक्सटर जैक्सन इतने पे कम्पीट करते हैं, तो फ्लेक्स लुइस को कैसे वो कह सकते हैं कि फ्लेक्स लुइस काफ़ी स्मॉल है हमारी डिवीजन का, ऐसे कुछ वीडियो थी, आप देख लेना। तो मुझे आप लोग बताइए आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऑन स्टेज वेट इतना हो सकता है डेक्सटर जैक्सन का, क्योंकि अभी आप अगर इंटरनेट पर जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना ही वेट है, 215 या 225 LBS कॉम्पिटिशन वेट उनका। और इस चीज़ में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद सोच के देखो कि जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो कॉम्पिटिटर है इतने कम स्टेज वेट के साथ में आज क्या कम्पीट कर सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ, डेक्स्टर का वेट इतना कभी रहा होगा ज़रूर, लेकिन आज अगर आप उनका वेट देखेंगे तो वो फिल हीथ के जितना वेट लेकर के आते हैं स्टेज पर, इनफैक्ट उनसे भी शायद थोड़ा 1-2 पाउंड ज़्यादा वेट लेकर के आते हो, मे बी पॉसिबल है, क्योंकि यार इतना इतने कम वेट के साथ में आज कोई नहीं उतर सकता मेंस ओपन के अंदर, फिर वो मेंस 212 डिवीजन को ही क्यों नहीं चूज़ कर लेगा। तो दोस्तों डेक्सटर जैक्सन जिस वेट पर कम्पीट करते हैं वो लगभग है 245 से लेके 250 LBS के बीच में, 247, 248, 249 इस वेट पर भी हो सकता है, हो सकता है कि इस साल में वो 250 LBS पर भी कम्पीट करे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार वेट बढ़ते जा रहा है मेंस ओपन कैटेगरी के अंदर। इनफैक्ट विलियम बुनैक का भी जो वेट है कॉम्पिटिशन वेट वो 215 नहीं हो सकता है, 225 नहीं हो सकता, इतने कम वेट के साथ में कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। और डेक्सटर जैक्सन काफ़ी हैवी बॉडी बिल्डर हो चुके हैं, अब वो फिलहीथ को पूरा टक्कर देते हैं साइज़ के हिसाब से अगर आप देखें, और उनका जो लैट स्प्रेड पोज है दोस्तों काफ़ी वाइड है, डेक्सटर के लैट्स काफ़ी वाइड है, और आप डेक्सटर को आज के टाइम में स्मॉल फ्रेम या स्मॉल साइज बॉडी बिल्डर्स के बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी लगभग 250 LBS के वेट के साथ में कम्पीट करते हैं। पिछले साल जो उनका ऑफ सीजन वेट था वो था 270 LBS, और ऑन स्टेज वेट इनका लगभग यही था 245 से लेके 250 LBS के बीच में, और इस बार भी इसी वेट के साथ में कम्पीट करने वाले। तो जो लोग दोस्तों आज भी ये बात समझते हैं कि डेक्सटर जैक्सन 215 के स्टेज वेट पर कम्पीट करते हैं और 225 ऑफ सीजन वेट पर रहते हैं या 235 ऑफ सीजन पर रहते हैं, ये चीज़ गलत है, इंटरनेट पे कई सारी चीज़ें रॉन्ग भी होती है या कई सारा डाटा जो होता है वो पुराना भी होता है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर लिखा हुआ है कि जो आर्म साइज़ है वो 20 इंच है और चेस्ट साइज़ है 52 इंच। तो लैट्स दोस्तों आप लोगों ने देखे हैं कि डेक्सटर जैक्सन के कितने ज़्यादा वाइड हैं, फिलहीथ से ज़्यादा उनके वाइड लैट्स हैं, तो इतना कम साइज़ कैसे हो सकता है किसी एक बॉडी बिल्डर का, तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है, और बाकी आप खुद से सोच के देखिए कि उनका क्या साइज़ होना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो मैं बात करना चाहता था, मेन जो टॉपिक था वो यही था कि जो बेसिक हेडलाइन है इस बार के मिस्टर ओलंपिया की वो है फिलहीथ रैमी या फिर रोली विंकलर या विलियम बुनैक, लेकिन डेक्सटर जैक्सन की कोई बात नहीं कर रहा और कोई भी इनके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि इनके ऊपर एक वीडियो इसलिए बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि डेक्सटर जैक्सन किस तरह से दिखने वाले हैं, और अभी की जो इन्होंने पोजिंग करी है इसकी वजह से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओलंपिया में ये किस तरह से दिख सकते हैं। और प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी दिक्कतें इनकी बॉडी के अंदर चल रही थी वो अभी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि जो गट की समस्या थी डेक्सटर के साथ में, तो ये चीज़ इनके साथ में 2016 में भी थी अगर आप लोगों ने गौर करी हो, 2017 में ये चीज़ बढ़ गई और 2018 यानी कि इस साल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, खासतौर से इस वाली पोजिंग में बहुत ज़्यादा इनका पेट बाहर निकला है। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ तो वो है आर्म्स की। अब आर्म्स इम्बैलेंस जो था इनका 2017 के ओलंपिया में भी था, लेकिन कई लोगों ने शायद आप में से नोटिस ना करा हो, अब वो चीज़ 2018 के आर्नोल्ड क्लासिक में हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई, और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि डेक्सटर जैक्सन के अंदर एक जो रेजर शार्प लुक थी ना, जिसकी वजह से उनको डेक्सटर द ब्लेड जैक्सन कहा जाता था, वो चीज़ अब कम होती जा रही है, स्पेशली उनके फ्रंट क्वाड्स, अब उनके अंदर उतने अच्छे से स्वीप देखने को नहीं मिलता, फ्रंट क्वाड्स के अंदर उतने ज़्यादा कट्स, या मैं कहूँ कि उतने अच्छे से डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती फ्रंट क्वाड्स में, तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, और ओवरऑल फिजिक में एक डाउनफॉल आ रहा है जो कि शायद कुछ लोग नोटिस कर पा रहे होंगे या शायद कुछ लोग नहीं भी नोटिस कर रहे होंगे। और यार इस चीज़ के पीछे बेसिकली एक ही रीज़न है कि एज फैक्टर, डेफिनेटली उनकी अब एज ज़्यादा होती जा रही है, 48 ईयर्स के वो है और तब भी कम्पीट कर रहे हैं इतनी बढ़िया प्लेसिंग के साथ में, ये नहीं कर रहे कि अपने आप को एक तरह से घसीट रहे हैं, वो आज भी उनकी प्लेसिंग जो है वो टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स के बीच में रहती है हर साल ओलंपिया के अंदर। तो यार डेक्सटर के बारे में यही तो कमाल की बात है, और इसी वजह से तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर माने जाते हैं, भले ही वो कई बार मिस्टर ओलंपिया, मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया नहीं बने, लेकिन उन्होंने सारे के सारे टाइटल्स ले रखे हैं, ये उनके बारे में एक कमाल की चीज़ है, तो उनके यही रिकॉर्ड्स हैं, और आज भी वो कोई उनके रिटायरमेंट के प्लान्स नहीं है, आज भी वो चाहते हैं कि अभी भी कम्पीट करेंगे, जब तक कि टॉप 6 के बाहर वो प्लेस नहीं होते वो कम्पीट करते रहेंगे। तो यही बात थी दोस्तों डेक्सटर द ब्लेड जैक्सन की, और मुझे लगा कि इनके ऊपर ये वीडियो बनानी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से ये जा रहे हैं और क्या इनकी प्रोग्रेस चल रही है। बाकी आप लोग बताइए अगर आप लोगों को किसी और बॉडी बिल्डर के ऊपर भी इस टाइप से वीडियो चाहिए हो, क्योंकि इसमें कोई इतना वो होता नहीं है ज़्यादा, मैं इसमें इंफॉर्मेशन दे नहीं पाता इस टाइप की वीडियोज़ में,
बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोग कहेंगे वही मैं करूँगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और हाँ आगे से आने वाली वीडियोस कुछ कुछ अब बायोग्राफीज़ होने वाली है, जैसे कि बायोग्राफी में बनाऊंगा अब नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा क्रिस बम्स्टर्ड के ऊपर। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि अब मैंने फेस दिखाना शुरू कर दिया तो मैं इसे इसी टाइप की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है, बायोग्राफी बनाऊंगा मैं, तो उस चीज़ का आप बिल्कुल से इंतज़ार कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।